भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के DCP योगेश चौहान द्वारा किया गया पत्रकार परिषद का आयोजन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि नारपोली पुलिस स्टेशन ने 8 अलग अलग मामलों में 11 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसको लेकर DCP योगेश चौहान ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित किया और क्या कहा, ये सुनते हैं। पत्रकार परिषद के बारे में जानकारी दें। आज की जो पत्रकार परिषद जो आयोजित की है, एक अच्छा मतलब 5 गुणों का जो है वो डिटेक्शन नारपोली पुलिस स्टेशन के जरिए हुआ है। उसमें अलग अलग तरीके के जो मामला दर्ज किए गए थे, पहला जो था कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हुआ, तो अपना खुद का मोबाइल से दूसरा सिम चेंज करके दूसरे मोबाइल में डाल के वहाँ पे OTT नंबर आया और फिर उससे पैसे निकाले गए। तो इस तरीके का मामला जो है वो अपने नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था 4/1/2021 को। तो उसके तहत लगभग बैंक से जो सिम कार्ड और पेटीएम वॉलेट अकाउंट जो है ओपन करके 64,800 रुपये वो निकाले गए थे। टेक्निकल तरीके से ये जो गुनाह है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो ऑफिसर है नारपोली के चेतन पाटिल सीनियर PR, उनकी पूरी टीम, इन्होंने उसमें दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। उसमें एक का नाम है शहनवाज दाऊद अंसारी, 22 साल की उम्र है उसकी, बाला कंपाउंड निजाम चौथा निजामपुरा भिवंडी में रहता है। दूसरा है तारिक असगर अली अंसारी, ये भी 20 साल का है, ये बाला कंपाउंड में ही रहता है। इन दोनों को अरेस्ट करके उनकी तरफ से लगभग 59,000 रुपये का 10,000 रुपये का मोबाइल और 14,000 रुपये जो है ऐसा और बाकी का सब 35,000 रुपये कैश, लगभग 59,000 का जो मुद्देमाल है और पैसे के तहत कैश के तहत जमा किया गया है। दोनों आरोपी अभी जेल में हैं और इसके ऊपर इनके ऊपर अभी तक पहले कोई गुनाह दाखिल हुए नहीं। दूसरा जो है जो घरपुड़ी दर्ज की गई थी 12/1/2021 को, ये जो हमारे फिरियादी भाविक जगदीश जैन, उन्होंने कहा था कि उनका एक अलायस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गोडाउन है दुर्गा कंपाउंड वलगांव, तो उसमें गोडाउन के पीछे कोई तो भी आके उसका जो होल बना के गोडाउन में वो स्क्रैप का मटेरियल जो है 66,000 रुपये का स्क्रैप का मटेरियल ये चोरी हुआ था। और उसके तहत 24/2021 नारपोली में जो है 454, 457, 380 IPC की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ था। उसमें भी हमको कामयाबी मिली है कि हुसैन रामलू युक्ति, उम्र है 22 साल, ये गणेश घाट फेनेगा वराल देवी तालाब के पीछे भिवंडी में ये रहने वाला आदमी है, और उसको अरेस्ट करने के बाद उसने स्क्रैप का मटेरियल जो है कॉपर 110 किलो प्रति तोला कीमत इसकी 600 रुपये, ऐसा टोटल 66,000 रुपये का माल ताबे में लिया है, रिकॉर्ड किया है। और उसके पास और पूछताछ करने के बाद पता चला है कि दूसरा ऐसा ही गुना इसके पहले नारपोली में दर्ज हुआ था 90/2022 IPC सेक्शन 454, 457, 300, उसमें भी कॉपर का ऐसा स्क्रैप का माल उससे मिला है 2,07,000 का, मतलब दोनों मिला के 2,73,000 का जो मुद्देमाल है उससे यहाँ से हमने बरामद किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है। उसमें भी आरोपी अभी जेल में, शायद इसके ऊपर और गुने भी इधर उधर दाखिल है। नंबर 3, नारपोली में खंडनी के लिए अपर करने वाले जो है किडनैपिंग करने वाला गिरोह जो हमने पकड़ा है, तो उसमें भी एक FIR दर्ज हुआ था और उसको जो फिरियादी है उसको और कुछ उसका दोस्त था उसको लेके जाने वाले थे 3 लोग, तो उसमें तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया है। सगीर आलम शाहबुद्दीन खान करके आरोपी और वसम सिकंदर सैयद जो है वो न्यू आज़ाद नगर भिवंडी में रहता है, अमजद बबलू खान जो है ये एक है, इन तीनों लोगों को जो है ताबे में लिया है। और रिक्शा जो इनके गुने में इस्तेमाल की गई वो रिक्शा भी रिकवर की गई है। तो इसके तहत हमने IPC मतलब CR नंबर 81/2022 दर्ज किया था, उसमें 364 और बाकी के 385 खंडनी के सेक्शन लगा के और अच्छी तरीके से गोपनीय तरीके से मालूमात लेके तीनों आरोपियों का हमने अरेस्ट किया है। नंबर 4, जो मोटरसाइकिल चोरी में भी 2 आरोपी जो है उनको अरेस्ट किया है, उनकी तरफ से 3 गुने जो है
वो तीन पूरे में सामने आया कि भाई तीन जगह पे उन्होंने किया था, उसमें दो मोटरसाइकिल और एक रिक्शा ऐसे हमने ताबे में लिया है। एक भुईवाड़ा की, एक नारपुली की है, उसमें 95,000 का पूरा मुद्देमाल ताबे में लिया है। आरोपी दो इसमें पकड़े गए हैं, भीम सुकाड़ी शर्मा करके 39 साल का है, ये बालकुम थाने में रहता है। दूसरा है शंकर संजय पासवान, ये हनुमान मंदिर के पास कामतगर भिंड में रहता है। तो इनके तरफ इनके यहाँ से हमें ये मोटरसाइकिल और रिक्शा हमने जब्त कर ली, और बाकी का जो है उसमें भी जो चोरी करने वाले थे छोटा हाथी टेम्पो जिसे बोलते हैं, दो आरोपियों को पकड़ा है। उसमें जगदीश बालाराम शेलार और भोलेनाथ बालाराम पाटिल, एक जो है मुक्काम वैजूना गांव तालुका भिवंडी, और दूसरा जो है सोनाले में रहता है। इन दोनों को ताबे में लेके उनकी तरफ से टेम्पो जो है मिला है, और एक रिक्शा, दो मोटरसाइकिल मिले। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये नारपोली पुलिस स्टेशन के हमारे ईस्ट के प्रशांत ढोले साहब एसीपी, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो है हमारे सीनियर मदन बल्लार साहब, उसके संभाजी जादव क्राइम पीआई, एपीआई चेतन पाटिल, पीएसआई रोहन शेलार, और एपीआई धीवार, पुलिस हवलदार सातपुते, पुलिस हवलदार बोड़के, पुलिस नायक शिंदे, पुलिस नायक चौहान, पुलिस नायक सोनगिरे, पुलिस नायक पाटिल, पुलिस नायक जादव, पुलिस सिपाही बंडगर, और पुलिस सिपाही जो हमारे डीसीपी ऑफिस में ताठे जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस का ये काम करता है। तो इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके ये बड़ी कामयाबी भिवंडी पुलिस को, नारपोली पुलिस स्टेशन को मिली। भिवंडी जोन टू परिमंडल में नारपोली पुलिस स्टेशन को बहुत बड़ी हमें कामयाबी मिली है। उसमें लगभग 8 गुने रजिस्टर हुए कुछ 15 दिनों में, और 11 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, और उसमें जो है उसमें रिक्शा टेम्पो, उसके बाद किडनैपिंग के जो गुने हैं, और एक इम्पॉर्टेंट गुना जो हुआ है कि बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन ये गलत तरीके से ये किया है, तो उसके तहत मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे 8,37,000 रुपये का पूरा मुद्देमाल है वो जमा किया है, और ये जो ऑनलाइन तरीके से जो हुआ है कि एक जो फिरियादी जो है याम बहादुर सिंह 19 साल के है, कांचन कंपाउंड दापड़ा रोड राणा तालुका भिवंडी में रहते हैं, इनका मोबाइल गुम हो गया था हमारे यहाँ। उन्होंने ऐसी कंप्लेंट दर्ज की थी, और उसमें से उनका सिम जो है मोबाइल का जो सिम है वो जो चोरी करने वाला आदमी है उसने वो निकाल लिया, और दूसरे मोबाइल में वो डाल के वो पेटीएम वॉलेट जो ओपन करके उसमें से 64,800 रुपये वहाँ से उसने ट्रांसफ़र कर लिए। तो इसमें CR नंबर 70/2022, 300 IPC धारा 379, 420-34 के तहत IT एक्ट के तहत वो मामला दर्ज हुआ था। उसमें जो है शाहनवाज दाऊद अंसारी करके और तारिक अजगर अली अंसारी, ये दोनों जो है बाला कंपाउंड में रहते हैं भिवंडी में, तो उनको अरेस्ट किया है, और उनके तरफ से जो है 35,000 रुपये कैश, 10,000 रुपये कीमत का मोबाइल, और ऐसा टोटल मिला के 14,000 रुपये का भी, और एक मोबाइल ऐसा 59,000 रुपये का पूरा मुद्देमाल ताबे में लिया है। लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि जब आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसका जो सिम है वो इमीडिएट वो ब्लॉक करे, जिसके जरिए दूसरा कोई जो सिम निकाल के उसका दूसरा मोबाइल में यूज़ करके आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र ना हो। ये खबरदारी सब लोगों ने लेनी चाहिए। नए नए तरीके से लोग जो है नए नए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, IT में कुछ एक्सपर्ट है जो इस तरीके से चोरियां करते हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड होता है, और आम आदमी को परेशानी तो होती है। तो आम आदमी ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप हमारा मोबाइल गुम होता है तो जो नंबर है इमीडिएट ब्लॉक करना चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे की ये जो चोर उचक्के लोग है आगे कोई भी तरीके से ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड कर ना सके। Glacier Dwellings LLP Developers प्रस्तुत करते हैं Oceans Garden। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1BHK, 2BHK और 3BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ 2 और 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
घर के दरवाजे में आते ही खुले स्पेशियस लिविंग रूम, वेल डिजाइन किचन, आलीशान मास्टर बेडरूम, प्रीमियम क्वालिटी एक्सेसरीज और फिटिंग से सुसज्जित बाथरूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध है। आइए जिंदगी को खुलकर जिए। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP के ओशियंस गार्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने।